अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सियासी सूरतेहाल दिन ब दिन कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है। मौलाना सड़कों पर निकलने को तैयार है तो तहरीक इंसाफ पहली असम्बलियों के अंदर और बाहर आसमान सर पर उठाए हुए हैं। तहरीक इंसाफ जहां 9 मई के बाद से अब तक अपने कारकुनान की रिहाई पर एहतजाज और एहतजाज का सिलसिला शुरू किए हुए है, वही आम इंतखाबात के दौरान होने वाली मुबैना धांधली पर भी शोर मचाया जा रहा है। आज इस जमात के 3 सीनियर रहनुमाओं ने इंतखाबात के कमोबेश 3 माह बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 सफात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी कर दिया है और मुतालबा किया है कि इस मामले पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो हकायक की रोशनी में तहकीकात करे और धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके बाद इंतखाबी इस्लाहात की जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अखज नहीं किया गया, फॉर्म 47 को बनाया गया और हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की लेकिन वो पटिशन्स भी आज तक समाअत के लिए नहीं लग सकी और अब हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में 158 पटिशन्स दायर किए हैं। इसी तरह इस वाइट पेपर से साबित होता है कि जब इलेक्ट को पता चला कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है तो एक भोंडा तरीका कार इख्तियार किया गया और फॉर्म 47 पर इन्हिसार किया। तहरीक इंसाफ के बिहाफ से व्हाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं और ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी व्हाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस व्हाइट पेपर के जरिए से मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द हमारे आर्टिकल 1843 की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए और इसकी हियरिंग हो। हम एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी करे और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया। तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधलियों की तहकीकात और अपने कारकुनान बिलखसूस बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के बगैर हुकूमत से बातचीत करने को तैयार नहीं। वो मुसलसल हुकूमत और इदारों को हदफ़ तनकीद बना रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अली मीन गंडापुर ने भी पेशावर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर वफाक को ललकारा है। उन्होंने अपने खिताब में यह वाज़ेह किया कि हम अपना हक मांगेंगे, इसे कोई खैरात ना समझे। वफाक को पैगाम देता हूँ कि हमारा हक लेने की बात की तो हमें फिर हल्का ना ले, अगर हक नहीं देंगे तो वफाक भी इस्लामाबाद में चैन से नहीं बैठेगा। फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना, बिल्कुल आपने आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इसका पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूंगा और मैं ऊंची आंखों के साथ लूंगा और ये लेकर अपने सूबे की आवाम पे लगाऊंगा और आप अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। एक जानब तहरीक इंसाफ अपनी महाजराई पर उतरी हुई है, दूसरी जानब हुकूमत भी इंतखाबी धांधलियों समेत अपोजिशन के मसाइल को समझने या हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। इसी दौरान अहम इदारों की जानब से ऐसे इशारे भी दिए जा रहे हैं कि डील या ढील किसी सूरत मुमकिन नहीं है, सबको कानून और आइन के मुताबिक डील किया जाएगा। जैसा कि आज आर्मी चीफ ने रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन हैं। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुजयन तर जिंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज अमल ना सिर्फ आपकी जाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आप मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वकार के लिए कुर्बानी देने से भी कभी दरेग नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशावराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को हमेशा कायम रखेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े कुयूद की बरमला पायमाली करते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि असलहे की दौड़ से हमले में ताकत का तवाजुन भी बिगड़ेगा, खत्ते में तवाजुन बिगड़ेगा और फिर मसलू जहानत और रोबोटिक्स और फिर क्वांटम कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज फजाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ इसके दायराकार को वसत दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत फजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फजाइया हमेशा कौम की तवक्कोआत पर पूरा उतरी है। पाक फजाइया ने बेमिसाल बहादुरी और पेशावराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किल में फजाई हदूद की निगरानी की, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 में हम सबके सामने है। आर्मी चीफ का कहना था कि गजा जंग में इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर पर भी बात की कि भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा मकबूजा कश्मीर पर जमा रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर पूरी दुनिया की खामोशी हौल गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमेशा याद रखें कि हक ताकत है जबकि बातिल
कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हास, सरफराज रफीक और एम ए मालम जैसे हैं जिन्होंने वतन अजीज के वक्कार के तहफ्फुज के लिए अपनी खिदमात और जिंदगियां पेश की। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इसके लिए पुरअज़्म रहें और रियासत पाकिस्तान के साथ रहें। आर्मी चीफ के इस खिताब का बहुत ही अहम हिस्सा है, मतलब मुख्तलिफ जहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को रखते हैं। उनके इस बयान के मुमकिन तीन रुख हैं। उनके इस बयान से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने रिवायती और सोशल मीडिया के उन तमाम अफराद जो इदारे पर तनकीद करते हैं और उसके लिए अपनी हदूदों को यूद को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, उनको भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। ये मैसेज उनके लिए भी है जो बार बार इदारे के ऊपर उंगली उठाते हैं और उनको आईनी दायरा कार में रहने का कहते हैं, तो इदारा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हम अपने हक जानते हैं, आपसे भी तवक्को करते हैं कि हम अपनी आईनी हदूद में रहेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को बड़ा पॉपुलर नैरेटिव समझ के जो है वो फ़रोग देते हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव देते देते रियासत पाकिस्तान पर ही चढ़ दौड़ते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। तो इसमें समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं। मई का महीना है, 9th of May इज अप्रोचिंग, मई आ रहा है और 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है और जो जाहिर है भुगतना भी पड़ा है वो सबके सामने, और उस पर यकीनन पाक फौज या इस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज वाइट पेपर इशू किया है पीटीआई ने, बयानात भी जारी हैं, ख़ासतौर पर एक ऐसे मौके पर जो मुज़ाकरात की डील या ढील की बात हो रही है, तो इस खिताब के बाद खासतौर पर यह तासुर के हद तक ज़ाहिल हो गया है। बात करेंगे बैरिस्टर उमैर खान न्याजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली पर वाइट पेपर इशू किया है, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। वाइट पेपर तो आपने इशू किया, उसमें 9th of May के हवाले से भी जिक्र किया, उसको प्री पोल रिगिंग करार दिया, तो ये किस तरह से प्री पोल रिगिंग है जिसमें खुद पीटीआई मुलव्वस है, वो प्री पोल रिगिंग कैसे हो सकती? ओवरऑल वैसे आप देखा जाए ना तो 9th May पे खान साहब का बड़ा क्लियर स्टांस है कि उसमें देखें सारा का सारा ब्लेम किस पे जराला जा रहा है, तहरीक इंसाफ पे, मगर ओवरऑल नुकसान किसका हुआ है, वो तहरीक इंसाफ का हुआ है। लीडरशिप किसकी अरेस्ट हुई, तहरीक इंसाफ की अरेस्ट हुई। खवातीन किस पार्टी की अब तक जेल में, वो तहरीक इंसाफ की हैं। बहुत सारी हमारी लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ सकी, वो किस जमात की थी, वो तहरीक इंसाफ की थी। और देख लें कि साल गुजर जाने के बावजूद कोई ऐसा शवाहिद सामने नहीं आया जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस इवेंट के साथ कनेक्ट करे। जब पीटीआई ही रिस्पॉन्सिबल होगी तो नज़ला पीटीआई पर गिरेगा, कारकुनान आपके गिरफ्तार होंगे, खवातीन हों, मर्द हों, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ मुजाहिर है, जब व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर इट। नहीं, ये तो आप फिर जो है ना तहरीक इंसाफ को कंडेम अनहर्ड कर रहे हैं ना। देखें, एक इल्ज़ाम लग गया प्रोसिक्यूशन की साइड से, पुलिस की साइड से, कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया, कारकुनान ने किया, FIR चौक हो गई। अब उसके बदले में कौन से स्टेप्स लिए गए? ठीक है, आप कहें कि कोई प्रॉपर कोई जुडिशल इंक्वायरी किसी फोरम पर हुई हो, ओवरऑल सर्टेन किए गए हों कि यार ये इवेंट्स आपस में कनेक्टेड थे नहीं थे, या इस चीज़ को किसी ने सर्टेन किया कि खान साहब जो खुद अदालतों में पेश हो रहे थे, अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें हाई कोर्ट के इहाते से भी गिरफ़्तार करना था और एक ऐसे बिजार अंदाज में गिरफ़्तार करना था, और वो भी पुलिस ने नहीं गिरफ़्तार करना था, रेंजर्स ने करना था। ठीक है, तो वो क्या जब आप ये कहते हैं सर कि 9th of May तो इल्ज़ाम किस पे लगाता है बराह रास्त, ये किस पे इल्ज़ाम है जी? जब आप ये कहते हैं कि 9th of May इज प्री प्लान्ड एंड प्री पोल रिगिंग, जब 9th of May से मुतालिक आप ये ख्याल, एक परसेप्शन है कि जब ये प्री पोल रिगिंग है या ये क्राफ्टेड है, वेल प्लान्ड है, तो ये इल्ज़ाम किस पे है आपकी तरफ से? देखें, इल्ज़ाम उसी पे आएगा जो, अगर आप थोड़ा सा इवेंट्स को पीछे चले जाएं, अगर खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो खान साहब की गवर्नमेंट को खाली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत नहीं गई, खान साहब की गवर्नमेंट गई है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए साइफर, और साइफर में एक US ने डायरेक्ट डिक्टेशन दी किसको, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, कि इमरान खान को हटाएं, अगर नहीं हटाएंगे तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिस्पॉन्स इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई। जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी कंट्रोल नहीं हुई तो 9th of May ऑर्केस्ट्रेट किया गया, उसके बाद समझा गया कि तहरीक इंसाफ का डंग निकल गया, अब ये इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, तो फिर दोबारा से 9th February एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सर, आप अगर एस्टैब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो मैं जरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की आज की तकरीर का जो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट है और जो टू बी प्रिसाइज जो उन्होंने कहा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं जो लोग आइन में दी गई आजादी राय पर आयद की गई जो कयूद हैं उनकी बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं
हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को करते हैं। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा आज पीएफ एकेडमी रिसालपुर पासिंग आउट पे। अच्छा, जो बेसिकली आज की जो स्पीच है ना वो पीएफ के पासिंग आउट परेड पे हुई। देखें, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बात हो रही है। देखें, कोई भी नहीं कहता कि कहीं भी किसी भी दुनिया में अनक्वालिफाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर कदगन ज़रूर है, मगर कदगन का ये मतलब नहीं है कि आप जैसा ट्विटर है उसको फॉर एवर बंद कर दें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ख़त्म कर दें। क्यों ख़त्म कर दें? कि वो एक पर्टिकुलर जो है ना जमात को सर, जब आप ये कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि आपकी हुकूमत घर गई, उसने 9th of May कराया, उसके बाद आपको इलेक्शन हरवाया, तो उसका जवाब शायद इसमें है ना सर, कि हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आईन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को रखते हैं। सिंपल सा जवाब है जी। देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें ना, मैं फिक्स कर सकता हूँ ना आप फिक्स कर सकते हैं। जो आपने शुरू में क्वेश्चनिंग की ना, वो आप बेसिकली पीटीआई पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, या मैं करूँ के एस्टैब्लिशमेंट, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे फिक्स होती है जिसने का हाथ था 9 अप्रैल में खान साहब की गवर्नमेंट गिराने के पीछे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फिक्स होती है जिसने 9 मई कराया। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फिक्स होती है जिसने 9 फरवरी को फॉर्म 47 चेंज कराया। अगर आप ये सारे को सर्टेन कर लें, सारे के सारे किरदार खुल के आपके सामने आ जाए। I'm really sorry to interrupt you, sir. आपके पास इसके विजुअल एविडेंस मौजूद है? आप ये कहते हैं 9th of May किसी और ने कराया, तो मेरे पास तो आपके लोगों के विजुअल एविडेंस है। क्या आपके पास काउंटर पार्ट के एविडेंसेज है? यही तो आपके पास कैसे हो सकते हैं, जब देखें कोर कमांडर हाउस की फुटेज क्या आपके पास मौजूद है? जी है ना? क्या आपके पास हाई कोर्ट की वो फुटेज मौजूद है? क्या आपके और जितनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनकी फुटेजेस मौजूद है? अगर वो फुटेजेस मौजूद है आज सामने ले आए सारे फुटेजेस, और वो विजुअल्स तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, तो पूरी दुनिया ने टाइम स्पेसिफिक देखें, टाइम के साथ आती है, पूरी दुनिया ने देखे, बड़ा मॉडर्न जमाना है सर। कोर कमांडर हाउस से मैं फ्रिज के अंदर से चिकन से लेके तो बाहर पड़ा हुए मोर चुराने तक की सारी वीडियोस तो पूरी दुनिया ने देखी है, हर तरफ का व्यू मौजूद है। अगर उसको सामने लेके आया जाए, इसमें क्या इतना मजायका है, सारा आ जाए। देखें, आज साल होने को है, कुछ तो कम से कम देखें यार। औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, उन बेचारियों का क्या कसूर है? वो साल से अंदर हैं, कैद काट रही हैं, लोगों की अभी तक बेलें नहीं हुई, उन खानदानों का तो सोचे ना। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, हैविंग सेड दैट, आप फिर भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बातचीत कौन करना चाहता है? बात है, देखें ओवरऑल ये जो भी कोई बातचीत होती है, इसका कोई इनवाइट आता है या ये कोई डॉक्यूमेंटेड होती है? जब भी बातचीत चलती है, देखें नवाज शरीफ की प्राइम एग्जांपल आपके सामने, एक बंदा जेल में बैठे बैठे मुल्क से बाहर चला जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, बाद में पता चलता है कि उस वक्त कि उसकी बैकडोर चैनल खुला होता है। एस्टैब्लिशमेंट से जब भी बात होती है तो वो खामोश बंद दरवाज़ों के पीछे होती है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत कोई थोड़ी बातचीत हो रही होती है जो इतनी ओपन हो। बिहाइंड द डोर्स क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट से सर? ये तो जी, ये तो इस पे बैरिस्टर गौर खान साहब बता सकेंगे, मगर जो मेरी अपनी ओपिनियन असेसमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी बात होगी। कोई खान साहब का बड़ा इसमें क्लियर स्टांस है कि हमारे बंदे छोड़ें, बंदों पहले उस लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्रिएट करें, हमारा रिग्ड इलेक्शन हमें वापस करें, हमारी सीटें वापस करें, फिर आगे इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है। बाकी इस दौरान तो ये तो वो आप हमारे साथ वही डिमांड रख रहे हैं कि भावलपुर में जिन्होंने मार खाई उन्होंने ही माफ़ी मांगी, वो वाली सूरत हाल आप हमसे चाह रहे हैं? नहीं, यू आर वन ऑफ द सेम वॉइसेस अमंग पीटीआई। तो आज जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खिताब किया और फिर चंद दिन पहले ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकरीब से खिताब किया, उससे मेरा ख्याल आपको जवाब तो मिल गया होगा कि वो कोई इस्टैब्लिशमेंट किसी डील किसी ढील के इस वक्त मुतहमल नहीं है। देखिए, इमरान खान की पॉलिटिक्स अब किसी जो है ना डील की मुतहमल है भी नहीं। देखिए, इमरान खान ने जो पॉलिटिकल स्टांस ले लिया ना, अगर आप स्टडी करें इस खित्ते में, कभी भी इतना एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस इतना कंसिस्टेंट किसी बंदे ने नहीं रखा। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब वही वाली बेवकूफ़ी जो नवाज शरीफ ने की है वो स्टेज पे करना चाहते हैं। वो अपने उनको स्ट्रेंथ का आइडिया है, उन्हें पता है अवाम उनके पीछे खड़ी है, वो 3 करोड़ प्लस वोट लेके आए हैं और उस सूरत हाल में लेके आए हैं जब हर तरह की पाबंदी थी। तो इमरान खान एक अब फिनोमेना बन चुका है, एक आइडिया बन चुका है जो हर घर घर में पहुंच गया है। तो इमरान खान ने इसी तरह अपने मामलात को कैरी करना है और वो कोई बैकडोर चैनल की तरफ नहीं देखेंगे। यार सब लास्टली एंड वेरी क्विकली, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलियन मार्च को आगाज़ कर दिया है कराची से, आप मौलाना से भी बात करना चाहते हैं,
मौलाना से कोई बातचीत को ब्रेक थ्रू हुआ है, और अगर मौलाना से बात कर लिए तो फिर बाकियों से भी बात कर ले, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो नहीं सकती, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हाँ आप हैं तो फिर डेमोक्रेटिक फोर्सेस से बात करें और बात खत्म करें। सर, दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़त्म होती है। देखिए, मुज़ाकरात की जो आप बात करें, मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ चलते रहते हैं, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो बातचीत चलती रहती है और मुज़ाकरात में कोई उस तरह से मुज़ायका नहीं है। मगर कभी भी मुज़ाकरात आपके अपने पॉलिटिकल जो बेसिकली आपने एसेट एक्यूमुलेट किया है उसकी कॉस्ट पे नहीं होते। हमने जो अभी तक का जितना नैरेटिव बिल्डअप किया है, जितनी सपोर्ट गैदर की है, वो हमारे एक पर्टिकुलर स्टांस की वजह से है। अब उस स्टांस में हम यू टर्न तो नहीं ले सकते ना। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली तीन जमातों का कहा है और मुतअद्दिद दफ़ा कहा, एक दफ़ा नहीं कहा। वो इसीलिए कहा कि अगर समझे हम उन तीन जमातों के साथ बैठ जाते हैं तो हम अपना वो पॉलिटिकल नैरेटिव ही ख़त्म कर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में 26 और 27 अप्रैल को दो रोज में एक जबरदस्त जलजला, एक जबरदस्त मुबैना साजिश हुई। साजिश में मौजूदा चेयरमैन FBR ने खुद को कमाल होशियारी से बचाते हुए मुतअद्दिद सीनियर अहलकारों को नौकरियों से फारिग करा दिया और बड़ी तादाद में दीगर अहलकारों के तबादले करा दिए। चेयरमैन FBR ने अपने से सीनियर 99% अफसरान को फारिग करा के ताजर दोस्त ऐप में बदतरीन नाकामी, ट्रैक एंड ट्रेस, डिजिटल इन्वाइस और फिर POS निज़ाम में नाकामी से हाथ धो लिए। इसे इत्तफाक कहें या हुस्न इत्तफाक, वज़ीर आज़म की तरफ से हटाए गए FBR के तमाम ग्रेड 21 अफसरान ग्रेड 22 में तरक्की की सीनियोरिटी लिस्ट में थे। सारे खेल के पीछे वज़ीर आज़म को ये कहकर कायल किया गया कि अदालतों में फंसे टैक्स मुकदमात से जान छुड़वा कर खजाने में 2700 अरब रुपये जमा किए जा सकते और अफसरान की मिली भगत पर ये केसेस ख़त्म नहीं हो सकते। अब इससे भी हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इन केसेस में 99% केसेस पहले ही FIA हार चुका है। वज़ीर आज़म को दी जाने वाली मुबैना गलत ब्रीफिंग के बाद मियां शहबाज शरीफ ने पहले 26 अप्रैल को बयक जुम्बिश कलम FBR के 25 साल अफसरान को सरेआम करप्ट और नाहल डिक्लेयर किया और उन्हें नौकरियों से फारिग किया। इन मुलाजमीन में 22वें और 21वें ग्रेड के अफसर शामिल हैं। इन तमाम अफसरान को मीडिया में बाकायदा बेइज्जत भी किया गया। वज़ीर इत्तला तथा अदालत ने प्रेस में ऐलान किया कि इन अफसरान को करप्शन की बुनियाद पर अहदे से हटाकर एडमिन पोल में डाला जा रहा है। और फिर इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जो अमजद टवाना साहब हैं, चेयरमैन FBR हैं, उनसे भी सीनियर लोग, उनसे नीचे जो काम कर रहे थे उनको कमाल होशियारी से उस दौड़ से ही फारिग कर दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता हूँ। FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठाया 2700 अरब, वो हमारे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, टैक्स ट्रिब्यूनल्स और आला अदालतों में जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनकी नज़र हैं और वो रिकवरीज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। फ्री हैंड दिया FBR को कि आप मेरिट बेस्ड पोस्टिंग ट्रांसफर करें और परफॉर्मेंस चाहिए मुझे महकमे से। द मैन ऑफ द एट द टॉप ठीक बैठा है तो ये तवक्को की जा सकती है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, नीचे तक चीज़ें जाएंगी, तो इसीलिए ऊपर से शुरू किया गया और यह सिलसिला जारी रहेगा। जिन 25 अफसरान को फारिग किया गया है उनमें 11 कस्टम्स ऑफिसर्स हैं जबकि 14 का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। कस्टम्स की तरफ से एक इजलास गुज़श्ता रोज़ बुलाया गया और फिर उसमें एक रेजोल्यूशन पास इस अज़म का अदा किया गया कि इस पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछा गया है कि ये प्रोफाइलिंग आपने किस अंदाज़ में की है और किस तरह से, पैरामीटर क्या था, ये करप्शन यानी कोई करप्ट ऑफिसर है, कोई ऑनेस्ट है या कोई डिसऑनेस्ट है, उसके दरमियान में डिफरेंस क्या है, किस अंदाज में आपने ये क्राइटेरिया क्या है जिसके बिना पर आपने प्रोफाइलिंग करके ABCD कैटेगरी के अंदर लोगों को डाला है। तो अब सवाल हो रहा है इससे क्या FBR के अंदर वाकई वो रिफॉर्म्स जो लाना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम वो आ पाएंगी या रिजेंटमेंट बढ़ेगी और ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। इस वक्त टैक्स एक्सपर्ट माहिर इक्तसादी अमूर अशफाक ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। FBR में जो एक बवाल बचा है, 25 अफसरान को लाइन हाजिर कर दिया गया, ये बताइएगा कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों की कुर्बानी दी गई है, क्या इससे ये तासर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये तो जबान दर्दे आम है कि FBR एक नामकबूल तरीन इदारा है पाकिस्तान का और ये भी बड़ी रोज़े रोशन की तरह आया है कि करप्शन भी बहुत है। मगर मसला ये है कि आपका जो मैकेनिज्म है उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपने 12 लोगों को आपने पहले लाइन हाजिर किया और फिर अब मेरी इतला के हिसाब से 13 और हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस पैमाने पे पूरा उतारेंगे तो ऑलमोस्ट 90% लोग इसी पैमाने पे उतरेंगे।
कैन यू आर यू रेडी कि आप उस लेवल तक जाके ये काम कर सकते हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि 12 लोग थे करप्ट, जहां तक मैं समझता हूँ आप अगर देखेंगे तो अच्छे अफसर भी थे इसमें, मैं तो क्योंकि मेरे साथ उन्होंने सबने काम किया है, बीइंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये मेरे साथ रहे, मैं कह सकता हूँ आफाक कुरैशी का वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मेरी नॉलेज में कभी नहीं आया कि उस शख्स ने कोई ऐसी हरकत की हो कि जहाँ मुझे लगे कि कोई गलत काम किया उसने। जहां तक मेरी नॉलेज आई है उसके तहत उन्होंने ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग या अफसर हैं जिनकी फैमिलियां बाहर हैं और उनके बेसिस पे उन्होंने ये कुछ डिसीशन लिए हैं। जैसे मुझे लगा मुकरम झा को मैंने देखा है, मैंने उसको भी बड़ा अच्छा पाया, वो मेरे साथ वो मेंबर ऑपरेशन कस्टम रहे, आफाक कुरैशी मेंबर पॉलिसी रहे, आयर फरीज इकबाल कुरैशी प्राइड ऑफिसर है, तो ऐसे काफी ऑफिसर थे जिनको मैंने देखा, सलीम ये भी बड़े अच्छे अफसर थे, हैदर अली धारे जो बड़े अच्छे अफसर थे, तो जिन जिनको मैंने अपने साथ काम करते हुए देखा है मेरे हिसाब से मुझे ऐसे मायूब नजर नहीं है। अगर मैं ऐसे ऐप ढूंढने जाऊंगा तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। हाँ आप बिल्कुल वी डाउट करें, बट आप फिर उनको बताएं कि भाई आपके ये चार्जेस आप उनको शो करें। सर यही तो वो पूछ रहे हैं, देखिए कस्टम्स और इनलैंड के मिला के तकरीबन को 25 लोग बनते हैं, 11 तो कस्टम्स के, और कस्टम्स के लोगों ने ये जो रेजोल्यूशन पास किया है गुज़श्ता रोज़, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो प्रोफाइलिंग आपने की है ये किस बेसिस के ऊपर की है, किसी को ए बी सी डी कैटेगरी के अंदर डालना, कैटेगराइज करना, हमें बताइए तो सही कि आपका ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ। 2016 में हम टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन का मैं मेंबर था और हमने डेटा मांगा था उनसे कि देखिए आपके जो स्टाफ की जो क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज क्या है, बिकॉज वी आर इवेल्यूएटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो हमें टू माय अटर सरप्राइज मेरा ख्याल है कुछ 90% ए ग्रेड या आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, तो अगर 90% थे और ये वही अफसर हैं जिनको आउटस्टैंडिंग मिलता था तो आज क्या होगा रातों रात, और यही अफसर हैं जिनको मेरा ख्याल है बड़े बोनसेस भी मिले हैं बिहार में रहते हुए, मेरे सामने मैंने इनको देखा है। सर हाईएस्ट ऑफिस के अंदर सितारा इम्तियाज भी मिला है इनमें से। जी जी मैं कहना नहीं चाह रहा था, और उनकी कॉम्पिटेंस भी मिला है यकीन से कह सकता हूँ, वो 2 साल तक मेंबर पॉलिसी भी रहे और मैं समझता हूँ नॉलेज भी है। तो अब देखें अगर कोई करप्शन का चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तौर पे आप सामने लाएं और आप इनको शोकॉज करें, इनका जवाब लें, एस्टा कोर्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करें। ये कह देना कि जी मैं समझता हूँ इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर भी बहुत सारे हैं तो उनका क्या आपने तदारुक किया है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए था, उसके बाद कोई एक्शन नहीं। अच्छा इस वक्त आपके पास जो इनसाइड पल्स है वो भी आ रही होगी एफबीआर के अंदर, इस वक्त क्या माहौल है, और जाहिर है इस वक्त बहुत फोकस्ड हैं कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब भी, उनकी गवर्नमेंट भी एफबीआर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेके ट्रैक एंड ट्रेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इससे जो इन्होंने किया है क्या इससे कोई पॉजिटिव मैसेज गया है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी या मजीद अब रुकावटें खड़ी होंगी? देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो आप कह रहे हैं ना जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो दी गई है केयरटेकर सेटअप की तरफ से वो नॉन स्टार्टर है। और जैसे मैंने एक मीडिया पे ये भी कहा था, मैं आपको क्लिप भेज देता हूँ अपने प्रोग्राम में चला दें, कि जो ये आपने ताजिर दोस्त स्कीम लगाई थी जिसमें सिर्फ 75 लोग आए, ये मैंने मीडिया पे कहा है कि ये नॉन स्टार्टर है। तो जब आपको ये पता, हमें पता है हमारी पल्स में है कि टैक्स किस तरीके से इन ताजरों से लेना है और टैक्स के रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। 2012 से मैं रिफॉर्म्स के प्रोसेस में हूं और मुझे सही तरीके से पता, हम चला रहे थे हमारी रिपोर्ट फाइंड हो रही थी, बस मेरे इंटरिम रिपोर्ट में भी इतनी सारी चीजें मौजूद हैं कि जिसमें अगर वो करने जाते तो मैं समझता हूँ 100% नहीं तो 70% FBR की रिफॉर्म हो जाती। ये पूरी टीम थी हमारी जिसमें 100 प्रोफेशनल थे जो टैक्स को जानते हैं, FBR को जानते हैं। आप एक पूरी टीम, एक ऐसे लोग जिन्होंने कभी FBR में अपना रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उनमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग थे,
उनको आप कहते हो स्ट्रक्चर बनाओ एफबीआर का, यार किस बेस पे आप बनाओगे? और कोई रिपोर्ट नहीं थी, एक प्रेजेंटेशन हुई जिसके बेस पे आपने मुल्क के इतने बड़े इदारे का ये फैसला ले लेना, मेरा ख्याल है शायद सर स्पेसिफिकली मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन वो जरा पहले से जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि चेयरमैन एफबीआर टवाना साहब से मुतालिक भी बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। अब एक तासुर है कि शायद बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटों की, जो मेरा पहले सवाल था, कुर्बानी दे दी गई है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? आप समझते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई शक का पहलू मौजूद है? देखिए, तीन या चार 22 ग्रेड के अफसर इनके अंडर काम कर रहे थे, तो बड़ी मछलियां तो होती हैं, छोटी मछली है। टिवाना साहब वो द जूनियर ऑफिसर और ये शहबाज शरीफ के पिछले दौर में ही प्रमोट हुए थे, और आपको पता होगा केयरटेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे काकड़ साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चेयरमैन चेंज कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ला रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं चेंज ना करें। टिवाना साहब को जहां तक मैं जानता हूं अपराइट आदमी है, नॉलेज अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानते हैं, मगर नहीं ये कह देना कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है या प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोग क्या काम करेंगे, ये मेरा ख्याल है शायद कहना कबल इस वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। IMF की जानिब से स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त जारी होने और ज़रे मुबादला ज़खायर बेहतर होने के समरात मार्केट में नुमाया होना शुरू हो गए हैं। महंगाई में किसी हद तक कमी वाकई हुई है, वही डॉलर्स की रवानी के बायस बहुत सी ऐसी अशिया की कीमतें भी काफ़ी हद तक कम हुई हैं जिनमें पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से इजाफा हुआ था। इन्हीं अशिया में गाड़ियाँ भी शामिल हैं। अब हालिया दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आ रही है। दो रोज़ पहले किया कंपनी अपनी गाड़ी स्टॉनिक की कीमत में अचानक 15,13,000 रुपए की कमी करती है, जिसके बाद पार्क सुजुकी की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस पार्क सुजुकी मोटर कंपनी ने भी स्विफ्ट कार के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 85,000 रुपए से 7,10,000 रुपए तक की कमी का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक यकुम मई से हो गया है। कंपनी ने बजाज डीलर्स को लिखे गए खत में बताया है कि सुजुकी की स्विफ्ट GMLT 85,000 रुपए कमी के बाद 43,36,000 रुपए में दस्तयाब होगी, जो 21,000 रुपए में फरोख की जा रही थी। इसी तरह मुतादद वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में होशुबा कमी हुई है, तो ये कुछ मस्बत तब्दीली है। और जो लोग कह रहे थे कि गाड़ियों की कीमतें वापस नहीं आएंगी, तो अब आसमान को पहुंचती हुई कीमतें वापस आना शुरू हो गई हैं, रिवर्स गियर लग गया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।